राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद जागरूकता की कमी के चलते अल्पसंख्यक योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को लेकर पिछली बार की तुलना में इस बार काफी कम छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। ऐसे में जिलाधिकारियों ने लोगों को जागरूक रहकर इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाने की अपील की है। राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद जागरूकता की कमी के चलते अल्पसंख्यक योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बात अगर अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की करें तो बाड़मेर में छात्रवृत्ति को लेकर पिछली बार की तुलना में इस बार काफी कम छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किए हैं। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी अमीन खान मापुरी के मुताबिक छात्रवृत्ति योजना के जरिए अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं की उनकी फीस के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जाती है। राज्य सरकार की मंशा है कि अल्पसंख्यक वर्ग का उत्थान हो। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने जिले के तमाम अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं, सामाजिक संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से इस योजना के जरिए पात्र अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं से अधिकाधिक आवेदन करवाने की अपील की है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है 30/11 लास्ट। इसमें से इस बार सभी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जागरूक जो भी अभिभावक वगैरह है उनसे भी अपील की जाती है और बाकी प्रधान अध्यापक है वो भी इस बारे में, इस बार छात्रवृत्ति की जो आवेदन है वो बहुत ही कम है और बच्चों द्वारा छात्रवृत्ति के फॉर्म बिल्कुल भरवाए नहीं जा रहे हैं, इसलिए प्रधान अध्यापक स्वयं खुद इससे बिल्कुल एक बच्चों को मोटिवेट करके अधिक से अधिक आवेदन करावे। जिले के सभी जो राजकीय गैर राजकीय संस्थाएं हैं उन सबको KYC और बच्चों के अपडेशन करवा के ऑनलाइन छात्रवृत्ति के फॉर्म है जो वो 30/11 तक ऑनलाइन करवा के उपलब्ध करावे। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति के जरिए संबल देने का प्रयास कर रही है। छात्रवृत्ति योजना के जरिए अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए प्रति माह भरण पोषण और शिक्षा का भत्ता देती है। राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य धारा से जुड़ने के साथ ही आगे बढ़ सके। इसी के मद्देनजर सरकारी स्तर पर कई सुविधाओं के साथ ही योजनाएं संचालित की जा रही हैं।